नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। हाँ, तो आज मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लेना चाहूँगी, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। जिनको नहीं सुनना है वो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा वीडियो, ओके। मेरा हाथ आज बहुत ज़्यादा जल गया था गरम तेल से, ठीक है। एकदम पैन में मैंने बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया था और जब मैं उसको वापस कम करने के लिए जब मैं पलटी करने लगी और मेरा पूरा हाथ जल गया था, पूरा गरम तेल मेरे हाथ में गिर गया था और मुझे लगा कि जल गया मेरा हाथ, ठीक है। तो मैंने बहुत जल्दी उसमें टूथपेस्ट बहुत सारा लगा लिया था, जिससे कि अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कल पता चलेगा कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, बट अभी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं यही सोच रही थी कि मेरा हाथ जल गया होगा, बट मेरा हाथ नहीं जला। अभी मैंने एक मैसेज देखा दर्शन सिंह जी का, ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए बहुत उसमें। थैंक यू सो मच दर्शन सिंह जी और ऐसे कई लोग जो हमेशा कमेंट बॉक्स में मैसेजेस में मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। यही सब चीज़ें जो है वो हमारे जीवन में काम आती है ना। हम बहुत कुछ कमा तो लेते हैं, ब्लेसिंग्स हम नहीं कमा पाते हैं जल्दी। सो, यही जो दुआएं आप लोगों की है ना, वही कहीं ना कहीं लगती है, ठीक है। तो आज मैं एकदम फील की ये चीज़ कि सच में इतने लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। सृष्टि जी हैं, अनुम जी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। एक इंस्टाग्राम में भी मैसेज आता है बट उनका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि अपना नाम कुछ लिखती हैं जो कि मुझे इतना याद नहीं है। उनकी भी बहुत ब्लेसिंग्स होती है और ऐसे कई लोग हैं, अर्चना जी हैं, बहुत लोग। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ, तो सारिका है, बहुत लोग हैं, ओके, जो हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं। और देखिए, आप लोगों की दुआओं के चलते ही मुझे लगता है कि मेरा हाथ जला नहीं, जला तो ज़रूर बट कुछ अभी दिख नहीं रहा है, कल पता चलेगा कि क्या हुआ है, ओके। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो लोग बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे, है ना। कभी मेरे वॉइस को लेके, कभी मेरे रीडिंग्स को लेके, कभी मेरे मुझे लेके, ये बहुत मायने रखती है मेरे लिए। इसी टॉपिक से मैं आज सोच रही थी कि ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, और ब्लेसिंग्स हमें किसका लेना होता है, हमारे पूर्वजों का, हमसे जो बड़े होते हैं उनका, है ना। तो आज एक अलग टॉपिक मैं सोच रही थी करूँ, मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स जो कि नहीं हैं अब इस दुनिया में, आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, मैं आज ये चेक करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा अलग होगा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको एंसेस्टर्स जो कर्ज रहता है वो होता है और वो उनको रिलीज़ करना होता है, ठीक है। कहीं आपके कोई पूर्वज ऐसे होंगे जो कि कहीं फंसे होंगे, जो सही डायमेंशन में जो जहाँ उनको पहुँचना होता है वहाँ वो नहीं कभी कभी पहुँच पाते हैं कुछ गलतियों के कारण। हमें नहीं पता होता है नियम, हम कुछ नहीं करते हैं, या फिर कुछ उनकी मर्ज़ी, कुछ इच्छाएं उनकी रह जाती है जिनके चलते वो सही डायमेंशन में नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम आज ये चेक करेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, नाना नानी दादा दादी, कोई भी आपके पूर्वज हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लेकिन पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम आज ये चेक करेंगे, ओके। और जिनका भी एंसेस्टर्स कर्स है वो रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। पूर्वजों का जो कर्स होता है वो बहुत ख़राब होता है हमारे लिए, और उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो कुछ नहीं, आप सिर्फ प्रेयर कर सकते हो, कि एक प्रेयर मैंने पोस्ट किया हुआ अपने दूसरे चैनल पर, उस पर पता नहीं मैंने बोला है या नहीं बोला है, बट आप डेली ये आप प्रेयर कर सकते हो कि मेरे जो भी पूर्वज हैं जो कि सही डायमेंशन में अपने नहीं पहुँचे हैं और कहीं अगर वो फंसे हैं तो उनको मुक्ति दीजिए, और जो मृत्यु के करीब हैं उनको आसान मृत्यु दीजिए, और जो जीवित हैं उनकी ज़िंदगी को और आसान कीजिए। ऐसे करके आप अपने ईश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हो डेली, तो जो भी कहीं फंसे अगर हैं तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। और जो कोई बेड रिडन पेशेंट्स हैं जो कि बहुत दिन से बेड पे हैं उनको भी मुक्ति मिल जाएगी, और जो जीवित हैं उनकी ज़िंदगी आसान होगी। ऐसा एक प्रेयर डेली किया करें आप लोग, ओके। सो, आज हम यही चेक करेंगे कि ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से आपको क्या मैसेज है, ओके। ये रीडिंग टाइमलेस होगी, जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे ज़रूर मिलनी है, और वो रीडिंग उस टाइम आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो कभी भी ये रीडिंग आपके पास आए
तो इससे ज़रूर गाइडेंस लें आप। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना हो सके पॉसिबल मैं अपना ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ और आपको एक जो मैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर आप तक पहुँचे। और मैं हमेशा ये देखी हूँ कि मेरे स्प्रेच पे हमेशा ही स्पिरिचुअल जर्नी निकलती ही है, तो कुछ मेरे यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, कुछ नहीं मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, और आप लोगों को ये गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग आज की। सो ये हम पाइल्स में करेंगे, ठीक है, दो पाइल। मैंने यहाँ पे तीन कार्ड्स लिए हैं, ठीक है, हम पिक अ पाइल करेंगे इसको और पिक अ कार्ड करेंगे इसको, और तीन पाइल में से आपको, तीन कार्ड में से आपको चूज़ करना है, ठीक है। असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउ द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर, फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लाइनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। एंड थर्ड इज फेजेस एंड साइकल्स, देर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो ये तीन पाइल्स हैं और आप लोग इंट्यूटिवली जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल को चूज़ करें और फिर हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मिलनी हैं या फिर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैसेज, हम देखेंगे क्या है। आई होप कि आप लोगों ने अपना कार्ड चूज़ कर लिया है। हम जाएंगे कार्ड वन के साथ और देखेंगे क्या मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हेयर। असेंशन, बहुत लोगों की असेंशन की जर्नी है ये, स्पिरिचुअल जर्नी जैसे मैंने कहा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों का एंसेस्टर्स कर्स जो होता है वो होता ही है स्पिरिचुअल जर्नी में, और आपको वो रिलीज़ करना होता है, इसलिए भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में भेजे जाते हो ताकि आप एंसेस्टर्स कर्स, आपके पूरे जो परिवार हैं, पूरे खानदान जो आपके हैं, आप उन सबको मुक्त कर पाओ, उनके पूर्वज जिसे हम कहते हैं ना कि पितृदोष, ठीक है, पितृदोष से आप मुक्त कर पाओ, वैसे एक कर्स आप में होता है, ठीक है, आप लोगों में। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीलिंग में, ये भी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हीलिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी कर्स या फिर जो भी वो साइकिल फेजेस या फिर वो जो एक पैटर्न है आपके पूर्वजों का जो कि आप में है कहीं ना कहीं, उसको आपको रिलीज़ करना है और आपको अपने ट्रू सेल्फ में आना है, ठीक है। तो अपने पूर्वजों को ज़रूर पूजा या फिर उनको जो भी उनको चाहिए होता है उनके लिए टाइम टाइम पे हमें करना होता है ताकि उनकी ब्लेसिंग्स हमें ज़रूर मिले, लेकिन उन जो हमारे लाइनेज में होते हैं ना, जो हमारे डीएनए में आ जाते हैं, उनके बिहेवियर्स, उनके पैटर्न्स जो कभी कभी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं ना, कभी होता है कि हमारे पूर्वज जो हैं बहुत डोमिनेटिंग होते हैं और बहुत एंगर इश्यूज़ ऐसे, उनमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि खुद ब खुद हमें वो आ जाती है डीएनए में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको रिलीज़ करनी है, आपको अपनी ट्रू सेल्फ में आना है, आपकी सोल जो है उसका एक ट्रू सेल्फ है, आपको उसके ट्रू सेल्फ में आपको आना है, ठीक है। द लाइट इज़ हेयर मतलब राइज अबाउट द डार्कनेस, जो भी है कर्स जो भी है उसको आपको रिलीज़ करना है और आपको लाइट की तरफ बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी असेंशन की जर्नी है इसलिए। ओके, सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। ओके, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, पता नहीं, ऐसा कुछ खाया तो नहीं था मैंने, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पूर्वज, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज, talk to me please, my dear angels, talk to me please। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड वन चूज़ किया है, उनके पूर्वज, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड। माई डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़, रेहान या रोहन कोई है, ठीक है, रेहान या रोहन, आई डोंट नो, किसी का नाम है तो आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि जस्टिस,
द एम्प्रेस, ऑब्स्टिकल है, ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड एट ऑफ कप्स। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने ग्रुप वन को चूज़ किया है, उनके पूर्वज जब इस दुनिया में नहीं हैं, वो उनसे क्या कहना चाहते हैं? One more time, please. Ignite your passion. क्या बात है, देखिए जो बात आपको हमेशा ही का आपके स्प्रेड में निकलती है, वही आपके पूर्वज भी आपसे कहना चाहते हैं। बी द लाइट, यू आर द लाइट, बी द लाइट, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ओके। ओवरऑल जो एनर्जी है आप लोगों की, वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड एनर्जी है। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओके। देखिए वही चीज़ आई है, शेड ओल्ड स्किन, देख रहे हो। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ब्यूटिफुल। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन, some more messages please. क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड वन चूज किया है डिवाइन। सम मोर मैसेजेस प्लीज फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, वन मोर टाइम प्लीज। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। I am planning to be reborn on earth. Okay, आपके कोई ancestors हैं, हाँ कोई ancestor हैं आपके, आपके कोई पूर्वज हैं जो कि you know rebirth, मतलब फिर से आना चाहते हैं आपके पास। I am your well-wisher, तो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं वो, जो भी है अच्छा ही सोचते हैं वो, हमेशा blessings ही देते हैं वो। I go everywhere with you. Okay. I see you. I hear you. And I am near you every day. तो okay. So मुझे कार्ड सीख रहे हैं आप लोगों को, एक मिनट हाँ, okay. So मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप ओवरऑल जो हैं थोड़े डिप्रेस्ड एनर्जी में हैं, ठीक है। ओके, थोड़े डिप्रेस एनर्जी में हैं आप, थोड़े से यू नो होता ना क्विट करने की एनर्जी में कोई चीज़, या तो हो सकता है कि यू नो आप कोई ऐसा इनहेरिटेंस जो कि आपको मिलना है, जिसमें आपकी भागीदारी होनी है, कोई ऐसा घर हो सकता है पूर्वजों का, कोई ऐसी ज़मीन जायदाद हो सकती है, कुछ ऐसा जिसमें कि आपका भाग मिलना था आपको, बट आप जो है क्विट कर रहे हो उस चीज़ को, और आप दुखी हो कि यू नो आप नहीं लेना चाहते हैं उस चीज़ को, या फिर आप कोई केस वेस में नहीं आप पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी ज़िद कर रहे हैं उस चीज़ के लिए,
जो भी ज़मीन जायदाद या जिस चीज़ के लिए भी बाकी के लोग जो भी लड़ रहे हैं, आप उस लड़ाई में आप नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। आप क्विट कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, लड़ के आप नहीं लेना चाहते हो, आपकी ऐसी एक दिख रही है। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं कि जैसे होता है ना कि पुश्तैनी हवेली हो, या फिर हवेली तो नहीं, आजकल के ज़माने में कहाँ हवेली हो भी सकती है, कहीं राजस्थान वगैरह में होती भी है, लाइक कोई घर या फिर कोई पूर्वजों का घर हो, या कोई ज़मीन जायदाद हो, या फिर कुछ कुछ पैसे हो उनके, कोई फंड हो, जिसके लिए बाकी के लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं और आप कुछ कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए इस तरह का लड़ झगड़ के वो उनका उनकी संपत्ति या फिर उनकी ज़मीन जायदाद आपको नहीं चाहिए, तो आप कुछ कर रहे हो उस चीज़ से, ऐसा दिख रहा है। और बहुत और साथ ही साथ जगल भी कर रहे हो, मतलब ऐसा है कि आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत भी है और आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हो और आपको नहीं ज़रूरत है इसलिए आप छोड़ रहे हो उस चीज़ को, या फिर कुछ कर रहे हो उस रेस में कि मुझे भी चाहिए भागीदारी, कहते हैं ना कि मुझे भी चाहिए मेरा हिस्सा, आप उसे कुछ कर रहे हो, आप ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है, वो इमोशनल ब्रेकडाउन दिख रहा है मुझे, इमोशनली आप थोड़े से उदास हैं, डैमेज्ड हैं, ऐसा दिख रहा है। और आप किसी सिचुएशन से ज़रूर कुछ कर रहे हो, मे बी अपनी फैमिली से या फिर किसी रिलेशनशिप से आप कुछ कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। सबसे आपने मुँह फेरा है, ऐसा दिख रहा है। और वापस घूम के आप देखना नहीं चाहते हो, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सिचुएशन जो कि मुझे इमोशनली अटैचमेंट दिख रही है, ठीक है, उस चीज़ से आपने मुंह फेरा है, आप क्विट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। तो आप बहुत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है, ये भी दिख रही है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड जो है वो ऑब्स्टेकल में आया है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की भी ज़रूरत है, जिससे कि आप डिनाय करते दिख रहे हो। ये दिख रहा है कि बहुत नज़दीक आ गए हो आप उस चीज़ के, जो भी चीज़ें रिज़ल्ट में आनी थी, या फिर रिपोर्ट उसका आना था, या फिर आपको उसका रिज़ल्ट मिलना था, आप उसके बहुत नज़दीक आ गए हो और आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है, आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा। ये होता ना कि टनल का लास्ट, मतलब एकदम टनल जो है वो ख़त्म होने वाला, अंधेरा अब ख़त्म होने वाला है, उस टाइम आप क्विट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपने हो सकता है कि इतने दिन तक आप लड़ रहे थे किसी चीज़ के लिए, या फिर किसी रिलेशन के लिए, या फिर किसी सिचुएशन के लिए आप लड़ रहे थे इतने दिन से, लेकिन अभी आप क्विट कर रहे हो, आप इतने दिन से उसमें एफर्ट लगा रहे थे लेकिन अभी आप क्विट कर रहे हो, जब एकदम रिजल्ट का टाइम आ गया है, जब एकदम रोशनी का टाइम आ गया है, अंधेरा ख़त्म होने वाला है, अब उजाला आने वाला है, आपको रिजल्ट मिलने वाला है, उस टाइम आप कुछ कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कुछ मेंटली कुछ ज़्यादा बहुत प्रेशराइज्ड हो आप, या फिर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो किसी चीज़ का डर आप में, और किसी चीज़ का गिल्ट भी आप में दिख रहा है, तो मे बी आप इस तरह से लड़ झगड़ के हिस्सेदारी, या फिर किसी रिलेशनशिप में एफर्ट, आप बहुत लड़ झगड़ के आपको नहीं चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन ऐसा एक बर्डन टाइप कुछ हो गया है सिचुएशन, वो आपको नहीं चाहिए, आप इस तरह से डिनाय कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा जिस चीज़ के लिए भी आप एफर्ट लगा रहे थे, या फिर जहां आपको जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कह रहे हैं। आपको अपने ऊपर केयर करना है, आपको अपनी ब्यूटी अपनी फेमिनिटी के ऊपर आपको काम करना है, भले आप मेल हैं, आप मेल देख रहे हैं, तो भी आपको लव केयर कंपैशन क्रिएटिविटी अपने उस साइड पे आप काम करें, और इस जगह ज़्यादा फोकस ना करें, अपने उस साइड पे आप फोकस करें, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने आप पे, इस पे फोकस करें, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये एश्योरिटी आपको आपके पूर्वज देना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने ऊपर काम करें, इस सिचुएशन पे आप ना रहें, आप इससे निकलें, और अपनी क्रिएटिविटी पे आप काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर आप काम करें, और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ना आपको क्विट करने की ज़रूरत है और ना ही आपको लड़ने की ज़रूरत है, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा।
ये आपके पूर्वज आपको बोलना चाहते हैं। अब तो कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो डेफिनेटली जो डिसीजन है वो आपके फेवर में होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके पूर्वज आपको यही अश्योरिटी देना चाहते हैं कि आपको ना लड़ने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप फाइनेंशियली भी मुझे जगल करते हुए दिख रहे हो, तो ये भी एक अश्योरिटी है कि फाइनेंशियली आप जो है स्टेबल होंगे, ऐसी भी अश्योरिटी आपको दे रहे हैं आपके पूर्वज, ओके। आपको वो करेजियस होने के लिए कह रहे हैं, आपको करेजियस होना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करना है, अपने पोटेंशियल पे आपको बिलीव करना है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको अपनी एनर्जीज पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी एनर्जीज पे अपने ऊपर फोकस करें और जहाँ आपको लड़ने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर लड़े, क्विट मत करें। जहाँ लड़ना है आपको वहाँ लड़ना है, जहाँ आपको शांत रहना है, अपने ऊपर काम करना है, वहाँ आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको ज़बरदस्ती का किसी के बीच में नहीं जाना है, ये फिर नहीं बोलना है आपको, बट जहाँ आपको बोलना है वहाँ बोलना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसी एक मोड में आपको आने के लिए आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, ओके। इग्नाइट योर पैशन, जैसे मैंने कहा आपको कि आपको करना क्या है, आपको अपने पैशन के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस हो जाना है आपको, और अपनी हीलिंग करनी है। हीलिंग का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है, तो आप हीलिंग नहीं कर रहे हो अपनी। मैंने बोला ना कि कुछ हीलिंग आपको करना ज़रूरी होता है ताकि आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं लाइफ के वो ख़त्म हो। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों को मनी ब्लॉकेजेस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ दिन आपकी इनकम होती है फिर रुक जाती है, या फिर कहीं कहीं से पैसा आना होता है वो रुक जाता है। तो मनी का जो फ्लो है ना वो कभी रुकता है कभी आता है, कभी रुकता है कभी आता है, ऐसा होता होगा। तो आपके मनी ब्लॉकेजेस होंगे, आपको वो भी मनी ब्लॉकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी में कि आप अपने मनी ब्लॉकेजेस को हील करें, ठीक है। नाउ इग्नाइट योर पैशन का कार्ड यहाँ पे है, आपको अपने पैशन पे, अपनी क्रिएटिविटी पे आपको काम करना है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो आपके जो पूर्वज थे वो बहुत बंदिशें लगाना होता था ना पहले के ज़माने में, हम अपने पैशन को हम नहीं जी पाते थे, बहुत घरों पे गाना बजाना मना होता था, या फिर उस फील्ड से रिलेटेड आप कुछ नहीं सीख पाते थे या आप नहीं कर पाते थे। तो वैसे अगर कोई सिचुएशन आपके पूर्वजों के या आपके घर में कभी रही होंगी तो आपके पूर्वज आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए, भले आपके घर पर वो होता था या अभी भी होता है या नहीं होता है, अगर आपका पैशन ये है तो आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो किसी किसी के लिए ये मैसेज है तो इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा कि अगर आपका पैशन है और आपके घर से सपोर्ट नहीं है तो आपको समझा के, उनको मना के, या फिर किसी भी तरह से आपको अपना जो पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए आपको, ठीक है ना। मुझे एक मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है कि कुछ लोग जो हैं कंसीव नहीं कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं मे बी, या फिर नहीं करना चाहते हैं कंसीव, ऐसा दिख रहा है मुझे। और या तो फिर कोई एबॉर्शन किसी ने करवाया है या अभी रिसेंटली, ठीक है। तो आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं आपसे कि कंसीव अगर आप कर लेते हैं तो एबॉर्शन आपको नहीं करना है, ठीक है। आप उसके पहले प्रिकॉशन लें, लेकिन कंसीव करने के बाद आप एबॉर्शन ना करें, ये सबसे बड़ा पाप होता है, ठीक है। आप सबको ये चीज़ पहले से पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि पहले आप प्रिकॉशन लें, लेकिन अगर कंसीव आप कर लेते हो तो आपको एबॉर्शन नहीं करना है, ठीक है। ये मैसेज किसी किसी के लिए हो सकता है, बहुत पर्टिकुलर 1-2% के लिए हो सकता है कि अभी किसी ने एबॉर्शन करवाया है और आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको कह रहे हैं कि एबॉर्शन ना करवाएं, क्योंकि वो आपके थ्रू ही इस दुनिया में आते हैं फिर से, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो है फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जा रहा है, और उनको एक मनुष्य जन्म मिलने के बाद, कई ऐसे जन्म के बाद फिर उनको मनुष्य का जन्म मिलता है ना, तो फिर वो कर्ज लग जाता है आप में। तो इसलिए एबॉर्शन, अगर आप प्रेग्नेंट हैं कुछ लोग और एबॉर्शन का सोच रहे हैं तो प्लीज़ एबॉर्शन मत करवाएं। और मे बी वो आपके पूर्वज हो सकते हैं जो अभी आप कंसीव किए हो, वो आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके नानी, आपके दादा, आपकी दादी, या फिर कोई आपकी मम्मी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, पापा, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी देख रही है ये वीडियो और एबॉर्शन का सोच रही है तो प्लीज़ एबॉर्शन ना करवाएं, ठीक है। बी द लाइट, ओके, बी द लाइट, बी द लाइट। बहुत लोगों को इंट्यूशन बहुत आ रहे होंगे, अलग अलग तरह के ड्रीम्स आ रहे होंगे, उनको डिकोड कीजिए और समझिए कि आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिट टीम आपको क्या कैसे गाइड कर रही है, क्या गाइड कर रहे हैं। बी द लाइट, आप ऐसे इंसान हैं जिसके थ्रू आप बहुत लोगों को और हील कर सकते हो। तो कुछ हीलर यहाँ हो सकते हैं, कुछ लाइट वर्कर्स यहाँ हो सकते हैं, कुछ टैरो कार्ड रीडर्स यहाँ हो सकते हैं जो कि रीडिंग देख रहे हैं। तो आप जो हैं
बी द लाइट, यू नो, आपके अंदर जो लाइट है उसे बनिए, उसको अंदर अंदर मत रखिए, क्योंकि ये जो एक जन्म मिला है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपका जन्म सिर्फ रोमांस करने के लिए नहीं हुआ है, आपका बहुत लाइफ पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है। आप लाइफ पर्पस में इतना फंस जाते हो कि अपना सोल पर्पस ही आप ध्यान नहीं देते हो, जबकि अगर हकीकत देखा जाए तो हमारी जर्नी सोल की जर्नी ही है ना। बॉडी तो सिर्फ इस जन्म के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें दूसरे बॉडी हमें मिलेगी, तो ये सोल की जर्नी होती है, तो उसको समझिए। और बी द लाइट, जो लाइट आपके अंदर है उसे आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसे ऐसे ही यू नो डीम जो अभी बंद है वो बंद बंद में ही ना चला जाए, उसको लाइटन अप कीजिए, उसको यू नो और लोगों को रोशनी दीजिए, और लोगों को गाइड कीजिए, और लोग आपसे जुड़ें, और लोग की ज़िंदगी, औरों की ज़िंदगी भी बेहतर हो, है ना। बी द लाइट, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, ठीक है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। देखिए ये जो है ना, किसी किसी में ऐसा होता है कि वो हमेशा सही अच्छे बनने की कोशिश करते हैं सबके लिए। आप सबके लिए सही नहीं बन सकते हो, है ना, सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते हो आप। भगवान जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, वो भी जो हैं सबके लिए अच्छे नहीं हैं, उनकी भी बुराई बहुत लोग करते हैं। तो एक अच्छा बनना, हमेशा अच्छा बनना सबकी नज़र में, कि नहीं मुझे अच्छा बनना है, मुझे सबसे अच्छा ही सुनना है, और जब नहीं सुनते हो आप तो आपको तकलीफ होती है, तो इसको यू नो लेट गो कीजिए, ठीक है। जो आपसे खुश हैं वो खुश हैं, आप सबको नहीं खुश कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपसे खुश हैं वो आपके हैं, जो नहीं खुश हैं वो दूर रहें आपसे, ठीक है। तो इसको भी आपको यू नो एक आपका बिहेवियर होगा, और ये आपको आपके पूर्वजों से आपको मिला होगा, आपके पूर्वज भी ऐसे रहे होंगे, आपके मम्मी पापा भी ऐसे रहे होंगे, या फिर ऐसे हैं जो कि हमेशा दूसरों को खुश करने में रहते हैं, या फिर कोई हमसे दुखी ना हो, सब हमसे खुश हो, ऐसी एक मेंटालिटी होगी अगर, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपसे खुश हो, ठीक है। तो हर किसी को खुश करना छोड़ दे, अगर आप हर किसी को खुश करने लगेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप दुखी रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसलिए सबको खुश करने की जो ज़िद्द है उसको छोड़ दें, वो नहीं पॉसिबल है, वो भगवान ईश्वर नहीं सकें तो हम तो इंसान, हमारी तो औकात ही नहीं है ना। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, तो ये एक पूर्वज को बताता है, ठीक है। हम हमारे में बहुत हिंदू धर्म में ऐसा होता है ना कि एक पितृ पक्ष का जब टाइम आता है तो हम कौवे को खाना खिलाते हैं और उसे हम पूर्वज मानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज आ रहे हैं। तो रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ठीक है। जो भी पैटर्न्स आप में रहा है या फिर है, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है आप में, ठीक है। आपको तो ऐसा भी हो सकता है कि ठीक एन्जाइटी डिप्रेशन वाले कार्ड के नीचे ही आया है ये कार्ड, तो ये हो सकता है कि यू नो बहुत टेंशन लेना, या तो आपके पेरेंट्स का बिहेवियर रहा होगा या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बिहेवियर रहा होगा, कि बहुत ओवर थिंकिंग करना, ओवर टेंशन लेना सारी बातों का, या फिर कुछ एक छोटी सी चीज़ मिल जाए तो उसके लिए बहुत सोचना, इसको रिलीज़ करें, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करें, ये हो सकता है एक मैसेज कुछ लोगों के लिए, ठीक है। शेड ओल्ड स्किन, तो जैसे कि मैंने कहा ना, सारे जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि यू नो जो भी आप में एंसेस्टर्स पैटर्न है या बिहेवियर है, मे भी ये हो सकता है बहुत ज़्यादा एंगर आपको होता हो बिना मतलब का, बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ आप में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिल की बातें आप दिल में ही रखते हो, बोलते नहीं हो, अंदर अंदर रखते हो, या फिर घुटन, ये होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें अंदर रख लेना, ये सब आपको या तो आपके पेरेंट्स से या फिर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिला हो, ये हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हैं, जो भी नेगेटिव साइड्स को आपके दिखाते हैं, लाइक वो जो भी है जो कि आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो एंगर हो, ईगो हो, शाइनेस हो, या फिर यू नो कुछ चीज़ों को अपने अंदर छुपाना हो, दबाना हो, नहीं बोलना हो, मन की बातें मन में रखना हो, या फिर कुछ भी जो कि आपके लिए सही नहीं है, उसे रिलीज़ करें, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर नीड, जैसे मैंने बोला अभी कि कुछ लोग रेयर है कोई यहाँ पे, ठीक है, प्रेग्नेंट है अगर और अबॉर्शन का अगर सोच रहे हैं आप, तो यू नो टेक केयर ऑफ योर नीड। अगर आप चाहते हैं कि अबॉर्शन नहीं करवाएं और आपको फोर्स किया जा रहा है, तो आपको उसके लिए लड़ना है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आपको आवाज़ उठानी है, उस चीज़ के लिए आपको आवाज़ उठानी है, जिस चीज़ जहाँ चुप रहना है वहाँ पर चुप रहना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए और कोई आपको फोर्स कर रहा है, तो वहाँ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, ठीक है। सो ये किसी किसी के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए होगा ये, रेजोनेट करेगा ये। और बाकी जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें जो कि लाइक जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी चीज़, उसके लिए स्टैंड ले, ठीक है। और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उसको आप
संभाल के रखें, चाहे आपकी रिलेशन हो सकता है कि अपनी फैमिली लाइफ में आप बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है अपने आप पे आप बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है अपनी हेल्थ पे आप नहीं ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो जो आपका है उसके लिए आप उसको आप संभालें, उसको संभालने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू बी रीबॉर्न ऑन अर्थ, मैंने बोला ना कि किसी के लिए है ये, ठीक है, आपके थ्रू वो इस अर्थ पे फिर से रिबॉर्न होना चाहते हैं। तो अगर आप एबॉर्शन का सोच रहे हैं तो फिर उनका जो एक साइकिल होता है वो अगर यही होता है कि एबॉर्शन होता है और वो साइकिल कट हो जाता है और फिर से उनको वो साइकिल पे आना होता है, तो कहीं ना कहीं उनका मन खराब होता है, वो कर्ज हमें लग जाता है, कर्ज वो करते नहीं है वो लग जाता है हमें, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कंसीव करने के पहले प्रिकॉशन ले, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आप एबॉर्शन ना करवाएं, ठीक है, ये ध्यान रखें। आई एम योर वेलविशर, तो जो भी हैं वो आपकी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको वेलविशर हैं आपके, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स आपको काम आती होंगी। आई गो एवरीवेयर विथ यू, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आई सी यू, ऊपर से आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आपकी क्या परेशानियाँ हैं, आपकी परेशानियों के साथ वो परेशान होते हैं। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग जिनके अभी पेरेंट्स जो हैं वो रीसेंट पास्ट में ही गुजरे हैं और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो उनके लिए, ये एनर्जी आपके अपने पेरेंट्स के लिए हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हो, तो आपको वो ये कह रहे हैं कि आपको वो देख रहे हैं, अगर आप दुखी होते हैं तो उनको आप दुखी हो लेते हैं, आप रो लेते हैं चार लोगों के सामने, आपका मन हल्का हो जाता है, बट वो जो है वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी दुख अपने तकलीफ़ को, है ना। तो जब आपको दुखी देखते हैं, जब आपको ऐसे देखते हैं ना वो, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो जितना आप खुश रहोगे उतना आप अपने पूर्वजों को खुश रखोगे, जो आपके साथ नहीं है, जो आपके अपने, ठीक है, उनको आप खुश रखोगे, जितना आप खुश रहोगे। तो यहाँ सिर्फ पूर्वज मैं नहीं बोलूँगी, ऐसे कई लोग जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी के पार्टनर भी हो सकते हैं, ये ऐसा मुझे अभी दिख रहा है, ऐसा समझ आ रहा है मुझे अभी, ठीक है, एक मैसेज मिल रहा है मुझे, और ये भी बहुत रेयर किसी के लिए हो सकता है। कोई पार्टनर आपका रिसेंट पास में गुजरे हैं वो, ठीक है, मे बी 6 मंथ ऐसा हुआ है, और वो आपको देख रहे हैं, वो आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपके वेलविशर हैं, तो आप दुखी ना हो, उनको सोच के आप बहुत रोए ना, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। ये किसके लिए आई डोंट नो, बट किसी के लिए है ये। सो वो आपको सुन सकते हैं, वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपको महसूस करते हैं, वो आपको सुन सकते हैं, आपके पास हैं, आपको देख रहे हैं, और आप दुखी हो रहे हो तो वो भी दुखी हो रहे हैं, तो इसलिए खुश रहें। आई एम नियर यू एवरी डे, तो सामने आपके आस पास हैं। I had always loved you, तो वो हमेशा आपसे प्यार करते थे और हमेशा प्यार करेंगे आपसे। I haven't found peace, मैंने बोला ना कि कुछ लोग जो हैं वो सही डायमेंशन में नहीं पहुँचे हैं, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रिचुअल्स, लैकिंग रिचुअल्स का कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने नहीं किया हो, कोई नियम ऐसे जो कि नहीं किया हो आपने और वो सही डायमेंशन में नहीं पहुँचे हैं। तो अपने पेरेंट्स से बात करें कि उनके पूर्वज जो हैं वो कैसे गुजरे हैं, उनके टाइम पे सही से पूजा पाठ हुई है नहीं, और नहीं हुई है तो उनके उनके नाम का कोई पूजा मंदिर में दें, ठीक है। वो सब भी ऑब्स्टेकल हमारे लाइफ में होते हैं, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, तो कोई शायद यहाँ डर भी रहे हैं अपने पूर्वजों से, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, वो हमेशा आपके साथ आपके एंजल्स बन के वो रहते हैं, आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देते हैं आपको, ठीक है। पाइल वन, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो। मैं सिर्फ पूर्वजों के बारे में ही बोल रही थी, बट ये मुझे एक मैसेज अभी मिला है कि सिर्फ पूर्वज आपके नहीं होंगे, मे बी कोई भी हो सकता है, ये आपके अपने जो अभी आपके साथ नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते में ये हो सकते हैं, और वो जो है आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपको उनके बारे में अच्छा सोचना है, उनसे डरना नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, जो भी उनके लिए नियम पूजा पाठ है उस सब ज़रूर करें, और जो एंसेस्टर कर्स है उसको रिलीज़ ज़रूर करें, ठीक है, और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अपनी जो सोल की आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसमें आ पाएँ, ठीक है। सो पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मैं आप लोगों को दे पाई हूँ आज की रीडिंग से। अगर आपको कुछ गाइडेंस ऐसे मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो टू माई पाइल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि क्या कहना चाहते हैं आपके लव्ड वंस जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके कोई भी रिलेशन में हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके आपका कोई पार्टनर हो सकता है, लव्ड वंस हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं वो। सो यहाँ एंसेस्टर स्पिरिट का मैसेज है, कनेक्ट टू योर लाइनेज, फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रुप है इस इन्हें अपने रूट से जुड़ना होगा, रूट चक्र से। ओके, रूट जो है वो हमारे फैमिली, हमारे पूर्वजों को बताता है, ठीक है, रूट चक्र। सो आपको अपना रूट चक्र हील करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली आपको ये करना है कि कहीं ना कहीं आप जो नियम जो होते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए जो किया जाता है, पितृपक्ष और ये सब जो हमारे रिचुअल्स हैं हिंदू धर्म में, आई डोंट नो बाकी धर्म के बारे में मुझे नहीं पता है, ज़रूर होंगे आप सबके भी धर्म में कुछ ना कुछ नियम ज़रूर होंगे अपने पूर्वजों के लिए। सो ये जो रिचुअल्स हम करते हैं साल में एक बार, कहीं ना कहीं आप उससे डिस्कनेक्टेड हो, आप नहीं कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को नहीं मानते हो आप, या फिर आप नहीं कर रहे हो किसी कारण से, किसी रीज़न से हो सकता है। तो आपको वो लाइनेज से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी आपकी कुल देवी हो सकते हैं वो, ठीक है, कुल मंदिर जैसे हम कहते हैं ना, कुल देवी देवता का मंदिर होता है, आप उससे आप डिस्कनेक्टेड हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप डिस्कनेक्टेड हो अपने रूट से, अपने पूर्वजों से, अपने फैमिली से, या तो फिर आपको पता नहीं है आपके पूर्वजों के बारे में, ठीक है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली नहीं होती है, तो हमें नहीं पता चलता है हमारे पूर्वज के बारे में। तो कुछ बातें अपने पेरेंट्स से करें और कुछ जानें अपने पूर्वजों के बारे में कि कैसे एक्सपायर किए थे वो, क्या हुआ था उनके साथ, और सही से पूजा पाठ उनके टाइम पे हुई थी या नहीं हुई थी, या उनके बारे में कुछ जानकारी ले बेसिकली, ठीक है। सो हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या है उनका मैसेज आपके लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो कहीं वो फंसे होते हैं और वो चाहते हैं हमसे कि हम उनके लिए कुछ करें और हम नहीं कर पाते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइल टू, जिन्होंने चूज़ किया है एंसेस्टर स्पिरिट को, क्या है मैसेज उनके एंसेस्टर्स की तरफ से, उनके पूर्वजों की तरफ से, उनके लव्ड वंस जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओह माय गुडनेस, ओके, ट्रेडिशनल को बताता है, ट्रेडिशन को बताता है हायरोफेंट का कार्ड। ओके, आपको अपनी ट्रेडिशन से जुड़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कुछ बहुत मॉडर्न लोग हैं जो कि ट्रेडिशन से बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपने पूजा पाठ जो आपका चलता है, यू नो कुल का एक पूजा पाठ होता है हमारे कुल का, जो कि हमारे पूर्वज करते थे, और कुछ नियम उसमें ऐसे होते हैं कि जो करने होते हैं, या तो आप उनसे डिस्कनेक्ट हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप कुछ ऐसा जो कि यू नो आपको अपने रूट से जोड़े रखे, आप उनसे डिस्कनेक्ट हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज गाइड। क्या बोलना चाहते हैं मेरे पाइल टू के व्यूअर्स को, उनके लव्ड वंस जो अभी दुनिया में नहीं है, प्लीज गाइड डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। Trust in higher force. Trust and thrive. Move in a new direction. ओके,
किसी मंदिर का है मुझे दिख रहा है ऐसा, ठीक है, या फिर कोई पूजा स्थल हो सकता है आपका। हार्नेस मिस्टिस पावर, हार्नेस मिस्टिक पावर, कोई मंदिर या फिर कोई पूजा से रिलेटेड कोई ऐसा जगह दिख रहा है मुझे जो कि जिसका जगह चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा है अगर किसी के साथ तो थोड़ा सा ध्यान दें प्लीज़। अगर किसी ऐसी जगह के बारे में बात हो रही है कि आपको वो डायरेक्शन चेंज करना है, मंदिर का डायरेक्शन, तो ये आपके आपके लिए हो सकता है ये मैसेज, ठीक है। ट्रस्ट इन द अननोन एंड टेक केयर ऑफ योर नीड। देखिए सेम कार्ड्स पाइल वन में जो निकला था। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन माय डियर एंजल्स। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू व्हेन आई वाज अलाइव। ओके सो ये रिसेंटली किसी का है, ठीक है। रिसेंटली कोई एक्सपायर हुआ है। आई एम योर एंजल टेकिंग केयर ऑफ यू, मैंने बोला ना कि ओके प्लीज डोंट फॉरगेट मी। तो ये मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कोई रिसेंटली कोई यू नो पास्ट अवे हुआ है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कोई रिसेंटली कोई गुजरे हैं और उनका मैसेज है ये, ठीक है। स्टॉप मिसिंग मी एंड क्राइंग ओवर मी एज इट मेक्स मी सैड। मैं अभी यही बोल रही थी, हाँ पाइल वन में। ओके आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। ओके ओके सो सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई लीगल मैटर चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। या आप किसी के ऊपर केस किए हो, या आपके ऊपर किसी ने केस किया है, या फिर कोई लीगल मैटर चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, आप बहुत एक्टिव हो और बहुत एक्टिवली उस पर काम कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक्शन ले रहे हो आप, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी थी कि आप बहुत डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा एंशियस थे, बहुत क्विटिंग वाली एनर्जी में थे, बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो आप। अब लड़ोगे आप, ठीक है, इस कोर्ट केस के लिए। ये कुछ भी हो सकता है, कोर्ट केस आपका ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है फाइनेंस को लेके हो सकता है, कोई जायदाद, कोई घर, कोई जमीन जायदाद, या फिर कोई फंड ऐसा, ठीक है, उसके लिए पूर्वजों का हो सकता है, या फिर कोई हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या फिर कोई लाइक होता है ना नॉमिनी को लेके हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है जो कि फाइनेंस से लेके है और उसके ऊपर कोर्ट केस चल रही है और आप जो है एक्शन ले रहे हो अभी। बट पास्ट की एनर्जी आपकी क्विटिंग वाली एनर्जी थी, आप कुछ नहीं कर रहे थे इस पर, आपने मुंह फेर लिया था जिस तरह से, आपको नहीं चाहिए ऐसे आप एक मोड में चले गए थे। बट अभी आप दिख रहे हो एक्शन ओरिएंटेड। ओके ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली ट्रेडिशनल फैमिली रही होगी पास्ट में, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो और कहीं ना कहीं आप ट्रेडिशन को इतना वैल्यू नहीं देते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिज्म को आप अडॉप्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन से आप डिटैच होते जा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी डिटैचमेंट की एनर्जी है, डिटैच हो रहे हो। मे बी अपने फैमिली से हो सकते हैं आप, अपने पेरेंट्स से आप डिटैच हो सकते हैं, मे बी अपने पूर्वजों से डिटैच हो सकते हैं। वो जो नियम जो होता है, एक रिचुअल जो होता है, उसको फॉलो करने से आप इनकार कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड मुझे दिख रहे हैं, अपने आप में ही रहने वाले एक इंसान दिख रहे हैं मुझे आप। अपनी चीज़ों को खोजबीन, अपनी खुशियाँ, अपने यू नो अपने लिए सब कुछ करना, सिर्फ आप अपने लिए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी परेशानियाँ, आपकी चिंता, आपका टेंशन, आपकी अपनी छोटी सी जो दुनिया है उसमें ही आप उलझे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बाकी का आप नहीं सोच रहे हो, ऐसा दिख रहा है। इसलिए आपके लिए कार्ड आया है, कनेक्ट टू योर लाइनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ, ठीक है। तो एक फैमिली वुंड आपकी हो सकती है, ये हो सकता है आपके चाइल्डहुड वुंड हो सकते हैं, आपके बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या फिर उतना केयर, उतना प्रोटेक्शन आपको नहीं मिला है, सब बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ठीक है। इंटेंशनली नहीं, लेकिन अनइंटेंशनली हो सकता है कि ऐसा हुआ हो आपके साथ। कोई फादर वुंड हो सकता है, कोई मदर वुंड हो सकता है, या फिर ये आपका पैटर्न हो सकता है, यू नो अपने एंसेस्टर्स का कुछ हो सकता है, वुंड हो सकता है जो कि आपको मिला है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि कैसे बताऊं, जैसे हम कहते हैं कि मेरी दादी ऐसी ही थी देखने में, या फिर मेरे दादा जी ऐसे थे, या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, जो कि सबको थी और मुझे भी मिली है, ऐसे इस टाइप का कुछ, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि पैटर्न चला आ रहा है वो, ठीक है, वो आपका जो पैटर्न है वो चला आ रहा है, तो वो इस टाइम हील होना है, अभी हील होने की ज़रूरत है उसको, ताकि आप उससे रिलीज़ हो पाएँ, आप उस डिज़ीज़ से या उस पैटर्न से, उस साइकिल से आप रिलीज़ हो पाएँ, ठीक है। तो आप जो हैं उस सिर्फ आपका फोकस नहीं है, मे बी आपको इसका इसकी नॉलेज नहीं होगी, या फिर आप अपनी ही दुनिया में उलझे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपका ध्यान और कहीं नहीं है, आपकी छोटी सी दुनिया है, आप उससे उलझे हो। आप ना आपके पेरेंट्स पे आपका ध्यान है, ना आपकी फैमिली पे आपका ध्यान है, ना आपके पूर्वजों पे आपका ध्यान है, ना किसी रिचुअल में आपका ध्यान है, बस आप अपने उलझनों में उलझे पड़े हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट किसी कोर्ट केस में आप मुझे दिख रहे हो एक्टिव, जो आप लड़ रहे हो, अभी एक्शन ले रहे हो, आप लड़ना चाहते हो, आप ऐसा दिख रहा है, ठीक है। द हायरोफेंट जो है वो ट्रेडिशनल कार्ड है, ठीक है। तो ये आपको ये बताता है कि फ्यूचर में आपको ट्रेडिशन से जुड़ना है अपना। हो सकता है कि आपके कुल देवी देवता का कोई मंदिर है जहाँ से आप डिस्कनेक्ट हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे रिचुअल्स आपके घर में हमेशा आपके खानदान में होते रहे हैं, आपके कुल में होते रहे हैं, जिससे कि आप डिस्कनेक्ट हो, जो कि आप नहीं कर रहे हो, तो वो भी कर्ज कभी ना कभी हमें लग जाता है, ठीक है, और वो हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने पूर्वजों के रिचुअल्स वो क्या फॉलो करते थे, सारे रिचुअल्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक रूट से उनके जुड़ना है और हील करना है इस चीज़ को, ठीक है। फॉलो नहीं करना है आपको सारे चीज़, आपको हील करना है, जो उनके नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको हील करना है, कुछ वुंड है, कुछ डिजीजेस हैं जो कि आपको यू नो जन्म मतलब बर्थ टू बर्थ आपको मिलते जा रहा है, लाइक आपके पेरेंट्स को मिला, आपको मिला, आपके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे, तो आपको यहाँ हील करना, यहाँ स्टॉप करना उस चीज़ को, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन कार्ड को बताता है, जिससे कि आप अपने रूट से कनेक्ट होके उस चीज़ को आप हील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एंसेस्टर हीलिंग को बताता है एकदम यू नो डायरेक्टली, स्ट्रांगली और क्लियरली, ठीक है। एंसेस्टर्स हीलिंग जब आप अपने प्रेयर में कर सकते हैं, आप, मैंने पोस्ट किया हुआ है एक वीडियो, देखिए उसमें मैंने क्या डाला है, मुझे याद नहीं है, बट वो एक ऐसा प्रेयर है कि आप अपने भी कर्मा को रिलीज करने के लिए आप क्षमा मांग रहे हो डिवाइन से, गॉड से, भगवान से, ईश्वर अल्लाह से, और अपने पूर्वजों के लिए भी आप यू नो क्षमा प्रार्थना करें, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, ठीक है, अपने पूरे कुल के लिए। तो होता यही है कि हमारे पूर्वज ही हमारे बच्चे बनके हमारे ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो चीज़ वो लेके आते हैं साथ में, और कर्मा से ही सब कुछ रिलेट होता है। तो इसलिए यहाँ पे कर्मा रिलीजिंग और एक प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना यहाँ आपको ज़रूर से डेली करना है, जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, आप वहाँ से यू नो आप हेल्प ले सकते हो। नाउ ट्रस्ट इन हायर फोर्स, यू नो आपको ऐसा हो गया होगा कि आपको भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, आपको अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं है, आपको ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर हैं, और ये मुझे दिख रहा है आपके एंसेस्टर्स से आपको मिला है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। या तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए रिसेंट में आपके पार्टनर, या तो हस्बैंड या वाइफ, या तो कोई पार्टनर या कोई फ्रेंड आपका, या फिर कोई बहुत क्लोज वन आपका जो है वो गुजरे हैं, और
बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड थे, जिसके चलते आपका भगवान से विश्वास उठ गया है कि जिसको भी आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, जो आपके करीब होते हैं उनको वो आपके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, ऐसे इस तरह के कोई विचार या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी, आपका जो विश्वास है वो भगवान से उठ गया है, वो हाई पावर से उठ गया है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि विश्वास करें, जो भी होता है वो किसी रीज़न से होता है, तो विश्वास करें, ट्रस्ट रखें, ठीक है। ट्रस्ट एंड ट्राइव, फिर से वही कार्ड है, ट्रस्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। मूव इन न्यू डायरेक्शन, मे बी आप स्टक हो गए हो इस चीज़ के बाद, या फिर किसी ऐसे अपने बहुत क्लोज वन के गुजर जाने के बाद आप स्टक हो गए हो, आप रुक गए हो, आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि नहीं अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे किसी और से कनेक्ट नहीं होना है, ऐसी कोई एनर्जी आपकी हो सकती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक अपने डायरेक्शन चेंज करें, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेज मिला था कि कोई एक ऐसा मंदिर या कोई ऐसा पूजा स्थल आपका, किसी भी धर्म के आप हो सकते हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से इसे लें, ठीक है, वो जो जगह है उसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आपको इससे पहले भी कोई मैसेज ऐसा मिला था या फिर आप सोच रहे हो उस डायरेक्शन को चेंज करना है, तो उस पर काम करें, ठीक है। आपके लिए मैसेज है, किसी किसी के लिए होगा ये मैसेज, ओके। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत स्ट्रांगली ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी मुझे दिख रही है, और एंसेस्टर्स कर्स आपको हील करना है, बहुत क्लियरली यहाँ दिख रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, और आपको अपने सारे जो भी आपकी नेगेटिविटीज़ हैं उसको हील करना है, आपको अपनी हायर सेल्फ में आना है, ये मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो एंसेस्टर्स कर्स, चाइल्डहुड वंड्स, जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो सबको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग्स आपको करनी होगी, और अपने हायर सेल्फ में आपको आना है, ये गाइडेंस आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। ट्रस्ट इन द अननोन, तो आपको बहुत सारे ड्रीम्स में बहुत कुछ मैसेज आपको मिल रहे होंगे जो कि आपको डिकोड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ड्रीम्स को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ड्रीम्स में आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिलती है जो कि सब इग्नोर करते हैं। तो ड्रीम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको डिकोड करना है ड्रीम्स अपने, और जानना है कि क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। मे बी कोई वीडियो के थ्रू, मे बी कोई कहीं कुछ दिखना, कुछ फोटो के आपके पास आना, कुछ वीडियो आपके पास आना, या फिर ड्रीम्स आपके, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू व्हेन आई वॉज अलाइव, मैंने बोला ना कि कुछ लोग यहाँ अभी रिसेंटली गुजरे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, और वो वो थोड़े मायूस हैं, उदास हैं, ऐसा लग रहा है उनको। तो ये मुझे किसी पार्टनर के लिए लग रहा है बेसिकली। तो कुछ ऐसे यहाँ पे ज़रूर हैं, कुछ परसेंट या फिर कुछ एकाध लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनकी पार्टनर जो है वो 6 महीना पहले या फिर 6-8 महीना के पहले, अभी 6-8 महीना पहले ही गुजरे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। तो आपको माफ़ करना है, अगर कुछ गलती उनसे हुई है तो उनको भी माफ़ करें और ख़ुद को भी माफ़ करें, फॉरगिवनेस यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम योर एंजल टेकिंग केयर ऑफ़ यू, तो आपको टेक केयर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको देख के उदास हो रहे हैं अगर आप रो रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी। तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनको भूलें ना, इनको अपनी दुआओं में इनको हमेशा याद रखें, इनको भूलें ना, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ध्यान रखें। देखिए ये एक मैसेज जो है ना, प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी, ये कार्ड हमें यही बताता है कि आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने रूट से, ठीक है। आपको अपने रूट से, अपने लाइनेज से कनेक्ट होना है। जो भी उनसे गलती हुई है, अगर हुई है तो उनको माफ़ करना है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उनसे माफ़ी मांगना है, ठीक है। और डिवाइन से भी माफ़ी मांगना है कि आप सबसे जो गलती हुई है, आपके पूर्वजों से, आपके पेरेंट्स से, आपसे, उन सब के लिए एक क्षमा प्रार्थना करना है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, तो अपना ध्यान रखें। स्टॉप मिसिंग मी एंड क्राइंग ओवर मी एज इट मेक्स मी सैड, तो इनको याद ज़रूर करें लेकिन रोए नहीं, ठीक है। ये जो भी हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड हैं, कोई भी हैं, इनको याद करें लेकिन रोए नहीं। रोने से इनको तकलीफ़ होती है, होता ये है, आप 4 लोगों के सामने रो लेते हैं आपका दिल हल्का हो जाता है, 4 लोग आपको समझा देते हैं आपका दिल हल्का हो जाता है, लेकिन इनको जो है अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं है, तो ये घुटते हैं अंदर अंदर, ठीक है। इनको तकलीफ़ होती है आपको देख के, ना ये आपसे बोल सकते हैं कि आप शांत हो जाओ, आप मत रो, ना ये कुछ कर सकते हैं, तो ये घुटते हैं अंदर अंदर। तो ज़्यादा सैड ना हो, ज़्यादा उदास ना हो इनको याद करके, ठीक है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, तो ये सब कुछ जानते हैं आपके बारे में और सारी खबर इन्होंने आपके लिए रखी है। सो मुझे जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, कार्ड 2 ग्रुप 2, जिन्होंने एंसेस्टर स्पिरिट को चूज़ किया है,
कहीं ना कहीं आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, फर्गीव नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, डिटैच्ड हो रहे हैं सारी चीज़ों से, ऐसा लग रहा है। तो आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपने रूट से, अपने लाइनेज से, और हील करने की ज़रूरत है इसको, ठीक है। एंसेस्टर्स हीलिंग आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई अगर अभी आपके कोई बहुत करीबी अगर गुजरे हैं कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, तो ये ज़रूरी है कि आप उनको याद करके रोए नहीं, खुश रहें, उनको दुआएं दें, उनके लिए ब्लेसिंग्स, उनके लिए प्रेयर करें और उनसे ब्लेसिंग्स मांगें, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे। सो यस, कार्ड टू, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मैं आप लोगों को दे पाई हूँ इस रीडिंग के थ्रू। अगर कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मे बी किसी को ज़रूरत होगी इस रीडिंग की। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माय पाइल थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि क्या बोलना चाहते हैं आपके लव्ड वंस जो इस दुनिया में नहीं है। फेजेस एंड साइकल्स, देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूशन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। ओके, सो फेजेस एंड साइकिल का कार्ड है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे फेजेस, कुछ ऐसे साइकिल्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो आपके चलते आ रहे हैं, सेम पैटर्न पे आप हो, और आपको लगता है हर बार आपके साथ यही क्यों होता है। कोई भी पैटर्न हो सकता है, आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बहुत मे बी हो सकता है कि बहुत लोगों का डिवोर्स होता है फैमिली में, कोई मनी ब्लॉकेजेस हो सकता है, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉस में चला जाता है, या फिर धोखा हो जाता है इसके साथ, फाइनेंस के साथ। लोग आपको बहुत धोखा देते हैं, जो भी आपके लाइफ में आते हैं, आप जितना भी उनके लिए करते हैं तो वो आपको धोखा ही देते हैं, आपको चीट ही करते हैं, आपको बिट्रेल ही करते हैं। तो एक पैटर्न है जो चलते आ रहा है, एक साइकिल है जो चलते आ रहा है, और उसको आपको रिलीज करना है, ठीक है। लेट्स सी कि क्या बोलना चाहते हैं आपके लव्ड वंस आपसे जो अभी इस दुनिया में नहीं है। ओके, प्लीज गाइड माई डियर यूनिवर्स, माई डियर डिवाइन, माई ब्यूटिफुल एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, टॉक टू मी प्लीज, गाइड मी प्लीज। Guide me. My dear divine, my angels, talk to me please. One more time please. I'm sure. King of Pentacles. Nine of Pentacles, क्या बात है। Four of Cups, the Moon, कुछ लोग यहाँ अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को डिनाई कर रहे हैं, जजमेंट। एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरऑल जो एनर्जी आपकी है वो कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी है, कंफ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली कुछ लोग यहाँ बहुत स्टेबल थे, या जितने स्टेबल थे अभी कुछ लॉस से वो गुजर रहे हैं, और ये लॉस जो है वो हमेशा ही होता है, ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बिजनेसमैन कुछ हो सकते हैं यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, खुद का बिजनेस करने वाले या फिर फैमिली बिजनेस को संभालने वाले, ऐसे कोई लोग हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। यस, फैमिली बिजनेस को संभालने वाले कोई लोग यहाँ ज़रूर हैं,
कनेक्ट विथ योर इमोशन. ओके, कुछ लोग जो यहाँ पे हैं अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को डिनाई कर रहे हैं. कुछ आपको इंट्यूशन ज़रूर हो रही होगी बट आप डिनाइल मोड में हो, नहीं ट्रस्ट करना चाहते हो अपने इमोशंस पे, अपने इंट्यूशन पे. ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन. ओके ओके, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट. मुझे एक कपड़े का दुकान दिख रहा है, थान जो होता है ना, कपड़ा थान जो होता है, उसका एक शॉप दिख रहा है मुझे. यू आर नॉट अलोन. ओके, तो एक थान का शॉप दिख रहा है, जो कैसे बताऊँ, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. कपड़ा जो होता है ना, लंबा लंबा जो मीटर हम लोग काटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थान है ना, तो उसका एक शॉप दिख रहा है मुझे. और ये आपकी फैमिली बिजनेस दिख रही है मुझे, किसी के लिए, मतलब बहुत रेयर के लिए किसी के लिए होगा ये. इंटेंट एंड क्रिएट. हाई प्रीस्ट, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस. ओके, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पे. ठीक है, कुछ ऐसे बिजनेसमैन यहाँ ज़रूर हैं जो कि थोड़े लॉस से अभी गुजरे हैं, या तो उनके फैमिली बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आया है, कोई हिस्सेदारी, कुछ ऐसा, कोई प्रॉब्लम, कोई जैसे कि वो परेशान हैं और कंफ्यूज्ड हैं क्या करें. ओके, किसी के लिए होगा ये मैसेज, सबके लिए नहीं होगा. ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज. You took so much care of me when I was alive. Okay. Please don't forget me. I visit you in dreams. मैंने बोला ना, dreams को ignore मत कीजिएगा, ठीक है. I am surrounded by people who love or care for me. Okay. I keep track of what you are up to in life, in your life. I send you signs of my presence. Wow, beautiful message. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हैं, बिजनेसमैन हैं और डिपेंडेबल हैं. ठीक है, डिपेंडेबल मीन्स हो सकता पार्टनरशिप में हो, और पार्टनरशिप भी जो है वो फैमिली मेंबर्स के बीच में ही है, ऐसा हो सकता है. कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, ऐसा है. और वहाँ पे आपको कोई इशू हो रही है ऐसा दिख रहा है मुझे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है. अभी इतने दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ लोगों के लिए. ये इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए. बिजनेसमैन हैं या फिर बहुत पैसा आपके पास है, स्टेबल हैं आप, रिस्क टेकर नहीं हैं आप, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप, बहुत सिक्योर चलना चाहते हैं आप, ऐसा लग रहा है. ठीक है, और आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लोगों के का शेल्टर आप देख रहे हो, तो आपके अंदर बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो आपके अंडर, और आपसे उनका शेल्टर चल रहा हो, ऐसा हो सकता है. बहुत प्रैक्टिकल दिख रहा है मुझे. ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, इमोशन से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं. तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको अपने इमोशन से कनेक्ट करना है, आपको अपने फाइनेंस को ग्रो करना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है और ग्रो करना है फाइनेंस को अपने. ठीक है, बहुत क्लियर मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे. आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो अपने फैमिली मैटर को लेके या फिर फैमिली बिजनेस को लेके, ऐसा दिख रहा है मुझे. आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगी, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा आपके लव्ड वंस जो भी नहीं है इस दुनिया में, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा. जितना आपका है, जितना आपके लिए है, उतना आपको ज़रूर मिलेगा. आपको बस अपने फाइनेंस को ग्रो करने की ज़रूरत है, आपको जो ऑफ़र मिल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. किसी चीज़ को आप डिनाई कर रहे हो. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है. यहाँ पे दो सिचुएशन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, या तो
आप जो हैं कोई डिवोर्स का केस यहाँ पे चल रहा है, जो कि आप जो आपको मिल रहा है आप उससे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो आपके हिस्से में जो आ रही है चीज़ें आप उसको डिनाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो आपको ये गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे कि जो आपको मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें, जो भी आपके लिए है या जितना आपके लिए है आपको ज़रूर मिलेगा, जो आपको मिल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करें, आप डिनाई कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, या फ्यूचर में आप डिनाई करोगे मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपको डिनाई नहीं करना है, जो आपको मिल रहा है जो भी ऑफर्स आपके फेवर में जितना आया है उसको आप एक्सेप्ट करें और थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करें, ठीक है। सो इस मैटर से थोड़ा सा इमोशनली भी कनेक्ट करें, बहुत प्रैक्टिकल ना हो, थोड़ा इमोशनली भी कनेक्ट करें इस चीज़ से, इस सिचुएशन से, ठीक है, जो भी अभी चल रही है आपके लाइफ में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा ऐसा लग रहा है कि किसी का डिवोर्स हो रहा है और डिवोर्स में आपने कुछ डिमांड किया या फिर आपके पार्टनर ने कुछ डिमांड किया है और वो फुलफिल नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। कुछ कंपनसेशन जो ये आप दे रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको मिल रहा है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी ऑफर आपको यहाँ मिल रहे हैं, फिर जो भी आपके फेवर में आया है चीज़, आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें। अपने इमोशन से, अपने इंट्यूशन से आप डिस्कनेक्टेड लग रहे हो, तो आपको ये वो मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा इस सिचुएशन को थोड़ा सा इमोशनली भी देखें। तो ऐसा हो सकता है कि आपके ऑपोजिट में जो है, जो कि आपके ऊपर केस किया है या फिर आपने किसी के ऊपर केस किया है, या फिर आप जैसे लड़ रहे हो इस फाइनेंस के लिए या फिर इस प्रॉपर्टी के लिए, तो इस सिचुएशन को थोड़ा सा इमोशनली भी देखें, ठीक है। हो सकता है कि उनको ज़्यादा ज़रूरत हो आपसे, आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत कुछ होगा, आपको वो ये अश्योरिटी दे रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत कुछ होगा। अपने फाइनेंस पे आप ध्यान दें, उसको ग्रो करने की कोशिश करें, आप जो भी चाहते हैं वो आपके लाइफ में ज़रूर होगा, वो ये कह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके हिस्से में कुछ नहीं आया, आपके फेवर में कुछ नहीं आया और इसलिए आप बहुत डिप्रेस्ड हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो आपको मिल रहा था आपने उसे डिनाई किया और वो आपको नहीं मिल रहा है अब, तो आप इससे परेशान हो। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि जहाँ ख़त्म होती चीज़ें वहाँ से नई चीज़ें शुरू भी होती हैं। तो आप जो आपको मिला है उससे आप ग्रो करें, अपने फाइनेंस को, अपनी स्टेबिलिटी और बढ़ाएं, फाइनेंशियल आपका फाइनेंस ज़रूर ग्रो होगा, वो आपको ये अश्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को थोड़ा सा इमोशनली भी देखने की कोशिश करें, थोड़े से अपने इमोशन से भी कनेक्ट होएं, वो ये कह रहे हैं आपको। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, मे बी आपको फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, जो कि मुझे दिख रही है कि पहले आपको नहीं थी, बहुत स्टेबल थे आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। और अभी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपनी सोच को थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इमोशनली इस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, ऐसा आपको मैसेज वो देना चाहते हैं, ठीक है। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, तो ये जो है ऐसा हो सकता है कि कुछ रिनोवेशन हो सकता है आपके शॉप का, आपके बिजनेस का, कोई रिनोवेशन करें आप, जो भी आपने ओल्ड ही रखा है, जैसे कि आप एक मुझे एक रिस्क टेकर नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप रिस्क लेने से डरते हैं, आप अपना कहीं इन्वेस्ट करने से आप डरते होंगे, तो इस चीज़ को रिलीज़ करें, ठीक है। रिस्क लेना सीखें और जो ओल्ड पैटर्न से चला आ रहा था चीज़ें, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। या तो फिर आपकी शॉप, बिजनेस, आपका आपके माइंडसेट, कुछ भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यू आर नॉट अलोन, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप अकेले हैं इसलिए आपके साथ ये गलत हुआ या फिर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो आपको ये वो गाइड कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, सब हैं, ये अल्लाह हैं, तो हाई पावर हैं आपके साथ, तो सब कोई आपके साथ हैं, ऐसा आप ना सोचें कि आप अकेले हैं, ठीक है। इंटेंड एंड क्रिएट, अगेन वही मैसेज मुझे मिल रहा है कि रिस्क लें, मॉडिफाई करें चीज़ों को और बेटर करें, और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इम्प्रोवाइज़, मॉडिफिकेशन, ठीक है। इस तरह का मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे कि आपको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओल्ड पैटर्न जो है, जो अगर वो शॉप है या फिर कोई घर है या फिर कुछ भी, उसको रिन्यू करें, रिन्यू, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे। सो
एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, बहुत बड़ा मैसेज है ये, ठीक है। देखिए, जितना भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, उसको बांटे थोड़ा सा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि आप अपने इनकम का 10% किसी नीडी लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इससे आपकी भी अबंडेंस बढ़ती है, मन की शांति आपकी होती है, कर्माज आपके अच्छे होते हैं, ठीक है। बहुत बेनिफिट होता है इससे आपको। तो अपने इनकम का 10%। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारा ही नहीं गुजरता है, उससे तो हम कहाँ दूसरों को हेल्प करें। देखिए, आपका अगर आपको कभी आपको मंथली आप अगर करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो भी आपके एक्सपेक्टेशन इतने हाई होंगे, आपके एक्सपेंस इतने हाई होंगे, आपको सोशल स्टेटस को मेंटेन आपको करना होगा, उसके लिए आप बहुत खर्च करेंगे, तो आपका कभी भी अपने लिए खर्च कम नहीं होगा। उसी में से आपको निकाल के देना है, ठीक है। उसी में से निकाल के देना है आपको, जितना आप इनकम कर रहे हैं। आप ये सोच लो कि 10% आपको नहीं मिला, ठीक है। सो 10% ज़रूर अपने किसी नीडी पीपल को हेल्प करें, ताकि आपका अबंडेंस और ग्रो करे। ओके, यू टुक सो मच केयर ऑफ मी वेन आई वॉज अलाइव। तो हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा हो, या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं, किसी के स्पाउस हो सकते हैं, किसी के लव्ड वंस हो सकते हैं, ठीक है, जिसका आपने बहुत केयर किया हो, ऐसा हो सकता है। प्लीज़ डोंट फर्गेट मी, तो उनको भूले ना, उनको हमेशा याद रखें। उनके लिए जो रिचुअल्स होते हैं वो ज़रूर करें। आई विजिट यू इन ड्रीम्स, तो मे बी आपके सपने में आते होंगे आपके लव्ड वंस जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है। आई एम सराउंडेड बाई पीपल हु लव और केयर फॉर मी, तो ये ऐसा हो सकता है कि जो डायमेंशन में उनको पहुंचना है वो सही डायमेंशन में वो पहुंच चुके हैं, और बहुत वो पीस में है, ठीक है, मुक्ति मिल गई होगी उनको। आई कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर अप टू इन योर लाइफ, तो आपकी हर चीज़ की खबर आपके लव्ड वंस जो अभी दुनिया में नहीं है वो रखते हैं, कि आप क्या कर रहे हो, क्या परेशानी आपके लाइफ में है, किस चीज़ से आप खुश हो रहे हो, ठीक है, तो सारा खबर उनके पास है। आई सेंड यू साइंस ऑफ़ माई प्रेजेंस, तो हो सकता है ड्रीम में या फिर किस तरह से वो आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं कि वो हैं इस दुनिया में आपके साथ, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है, कोई प्रेग्नेंट है लेडी जो कि ये वीडियो देख रही हैं, या फिर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसको कि आपको टेक केयर करना है बहुत ज़्यादा, और आपके पूर्वज जो हैं उनके द्वारा इस धरती में फिर से रिबॉर्न होना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, या फिर किसी की मैरिज अभी हुई है और आपके ज़रिए इस दुनिया में वो रिबॉर्न होना चाहते हैं, फिर से रिबॉर्न करना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है किसी के लिए। सो पाइल 3, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि मैंने कुछ गाइडेंस आपको दी है इस रीडिंग के थ्रू। अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें ये मैसेज ज़रूर मिले। चैनल में पहली बार अगर आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।